वेलकम टू न्यूज। मध्य पूर्व एशिया में आईएसआईएस के बढ़ते तनाव के कारण अलमी कयाम एएमएल एक मेगा इवेंट का आयोजन मुंबई में किए, जहां पर क्षेत्र के लिए अमन शांति और चैन के बारे में बात की और लोगों के लिए क्या अच्छा है यह बताया गया। इस मौके पर कई दिग्गज मौजूद रहे। सबसे पहले मैं दारुल उलूम फैजान रजा को मुबारकबादी देता हूँ और खास करके इसके सरपरस्त मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब को, जो इतना डैशिंग काम किया है उन्होंने और जो नीड ऑफ एन आवर है आज की तारीख में, कि इन्होंने टेररिज्म को काउंटर करने का काम लिया है। ये हम लोग ने स्टार्ट किया था माहिम मखदूम शोभा की दरगाह के प्लेटफॉर्म से, और ये मदरसा और माहिम दरगाह दोनों ने टाई अप करके बिना दड़ के पूरी एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करके हम लोग हर लेवल पर इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ये खाली टीचिंग और टीचिंग के ऊपर नहीं है, हमारे साथ में काफ़ी उल्मा और मुफ्ती साहब के अंडर में है, और हमारे साथ में लीगल जो फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो भी है, जो लोगों को समझाते हैं कि ये मैसेज जब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो भी फायर की तरह पहुँचता है, ये भी जो मैसेज है फायर की तरह ही पहुँचेगा, और जिधर आग जलती है तो लोग बाहर से आके देखते हैं कि भाई ये आग किधर से जल रही है। सो डेफिनेटली इसका बहुत आउटरीच होगा, और हम लोग एक जगह से सहमित होकर काम नहीं कर रहे, ये ऑल ओवर हमारे एक इंटरनेशनल बॉडी के थ्रू, नेशनल बॉडी के थ्रू, और जितने भी हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है। आईएसआईएस हमारे तक कैसे पहुंच रही है? आईएसआईएस का तरीका हम तक पहुंचने का सबसे पहला ये रहा है कि वो इंटरनेट के जरिए से हम तक पहुंचते हैं, सोशल मीडिया के जरिए से पहुंचते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, जो बेस्ट तरीका था वो सोशल मीडिया था, और उसकी शुरुआत हमने माहिम दरगाह से की थी, और उसी की कड़ी को कड़ी मिलाते हुए आज गोरेगांव की सरजमीन इतिहास रच रही है, और इंशाल्लाह तबारक व तआला आने वाले वक्तों में दहशत का खात्मा हो जाएगा। कि अभी तो ये शुरुआत बॉम्बे से हुई है, इंशाल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में हम जाएंगे, और हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया के तमाम खित्ते तक पहुंचेंगे, और अमन को कायम करने के लिए जो काम भी करना पड़ेगा इंशाल्लाह करेंगे। अगर गोली भी खानी पड़े तो हम गोली भी खाएंगे, लेकिन अमन कायम करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि ये आज सबसे बड़ा मैसेज उन दहशतगर्दियों के लिए, दहशतगर्द लोगों के लिए है जिन लोगों ने ये शुरुआत की थी कि हम इंटरनेट के जरिए से लोगों तक पहुंचेंगे। ये क्रैश होकर के अल्लाह तबारक व तआला की एक मार उन लोगों पर पड़ गई है, और उसके शिकार वो हो चुके हैं। इंशाल्लाह हमें दुआ भी करते हैं, और साथ ही साथ हमारी कोशिश भी है कि दहशत के खात्मे के लिए जो भी स्टेप्स लेने पड़े हम लेंगे, और अल्लाह की मार तो उनके ऊपर तो पहले भी थी, आज भी है, और हमेशा रहेगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम 1400 साल पहले से आतंकवाद को खत्म करने का था। मेरे रसूल ने भी आतंकवाद को खत्म किया था 1400 साल पहले मक्का की सरजमीन से, और इस्लाम का सच्चा पैगाम, इंसानियत का सच्चा पैगाम, अमन का सच्चा पैगाम मेरे पैगंबर ने दिया था। उसी कड़ी से कड़ी मिलाते हुए हम गुलामान रसूल यहां हाजिर हुए हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह की उस्वा पर हमल करते हुए